इस्तेमाल किया हर वक्त मोबाइल में दावत करना कैसा है। देखिए इंसान की हालत दो है, एक हालत होती है सफर और एक हालत हो हजर की, यानी घर पर है मस्जिद में है। तो अगर आदमी हजर में है यानी घर पर है मस्जिद में है और मस्जिद में कुरान करीम रखा हुआ है, घर पर कुरान करीम रखा हुआ है, कुरान करीम को छोड़कर मोबाइल में तिलावत करता है, कतान मुनासिब नहीं है। आदमी को चाहिए मोबाइल से तिलावत न करे बल्कि कुरान करीम से तिलावत करे देखकर, इसलिए कि कुरान करीम को छूना भी और देखना भी इबादत है, इससे आदमी महरूम हो जाएगा। तो इसलिए अगर कुरान करीम घर पर है मस्जिद में और वो मौजूद है तो फिर मोबाइल से कुरान की तिलावत करना गैर मुनासिब है, बेहतर नहीं है। आदमी को चाहिए कुरान करीम में देखकर तिलावत करे। और अगर सफर में हो वहां पर कुरान करीम साथ में ना हो तो मोबाइल से तिलावत कर सकता बदरजे मजबूरी, कोई हर्ज नहीं।